अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मटन चाप फ्राई बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, सबको ये बहुत ही पसंद होती है, मेरे घर में भी ये सबको बहुत पसंद है और आई थिंक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको भी ये ज़रूर से पसंद होगी। हम तरह तरह से इसको बनाने को ट्राई करते हैं। मैं भी आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। फ्रेंड्स, आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको आपकी फैमिली को ज़रूर से पसंद आएगी। पर ट्राई करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने बनाने के लिए ले लेना है चाप। यहाँ पे हमने 400 ग्राम चाप ली है मटन रिब्स। इसको हमने एक प्रेशर कुकर में डाल देना है। सबसे पहले हम इसे बॉयल करेंगे। इसको डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच नमक, एक तेज़पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। हम इसे बॉयल पहले करेंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाए, ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए ताकि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे फिर इसे फ्राई होने में। दो छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधा कप पानी भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसकी लिड को कवर करेंगे और इसे दो प्रेशर होने तक कुक कर लेना है। हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, बस हल्का टेंडर हो जाए तब तक। अप्रॉक्स 15-17 मिनट्स लगेगा इसको कुक होने में और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये फ्रेंड अच्छे से कुक हो गया है। ज़्यादा कुक नहीं किया है हमने इसे, देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने इसे फ्राई भी करना है। ये हो गया, अब हम इसे साइड में रखेंगे और हमने ले लेना है एक बोल। अब हमें मैरिनेशन तैयार करना है इसके लिए। एक बोल लिया है हमने, उसमें हम डालेंगे आधा कप दही। देखिए, ज़्यादा पानी नहीं है दही में, आपको भी इसी तरह से लेना है। उसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच मिर्च, आप अपने हिसाब से तीखा बैलेंस कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे हम, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है। एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, ये होममेड चाट मसाला पाउडर है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक भी आप ऐड करेंगे, बहुत ही केयरफुली ऐड करिएगा क्योंकि हमने बॉयल करने में चाप को उसमें भी डाला था नमक। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे, इससे इसकी क्रिस्पीनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बड़ा चम्मच हमने डाल देना इसमें कॉर्न स्टार्च, या आप अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो। एक नींबू का जूस, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे एक पेस्ट की तरह, ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। और इसमें बॉयल की हुई चाप को जो हमने कुक कर ली थी पहले, उसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे इस मसालों में, अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, अच्छे से कोट करेंगे इन मसालों को चाप पे। बहुत ही बढ़िया चाप बनने वाली है फ्रेंड्स, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से चाप पे मसाला लगा लेना है और तकरीबन एक घंटे तक हमें इसे मैरिनेट करना है। अगर आपको जल्दी है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं, काफ़ी है इसके लिए आधा घंटा। यहाँ पे हमने ऑयल अच्छे से हीट कर लेना है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से जब हीट हो जाएगा तब हम इसमें अपनी चाप्स को मैरिनेट की हुई फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने इसे फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती दोनों साइड से। 2-3 मिनट लगेगा क्योंकि ये पहले से कुक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे गलने में। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है, हाई नहीं रखना है हमने, क्योंकि हमने मसालों को होने के लिए भी टाइम देना है, अच्छे से कुक हो जाए मसाले, स्मेल नहीं करें चाप में। अगर आप हाई रखेंगे तो ये जलने लगेगी। ये देखिए, ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया, कितनी करारी दिख रही है ये, आप देख सकते हैं। तो हमारी चाप फ्राई, मटन चाप फ्राई बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, खाने के लिए। आप इसे ग्रीन चटनी, लेमन, अनियन ड्रिंक के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।